नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाए हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में सियासी घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जी जान लगा रही है। इस बीच प्रियंका ने सिंधिया पर एक रैली में जब तंज कसा तो केंद्रीय मंत्री भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे। ऐसा ही एक नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिन्हें लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका कद छोटा है लेकिन अहंकार बड़ा है। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए उन्हें अहंकार पर शिक्षा देने से पहले खुद शीशे में जाकर अपना चेहरा देखना चाहिए कहा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में बीजेपी का दामन थामा था। सिंधिया को लेकर कहा जाता है कि उनकी राज्य की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रही है। जब 2018 में कांग्रेस को जीत मिली तो राहुल गांधी ने उन्हें पीछे हटाकर सीएम पद कमलनाथ को देने की बात कही। ऐसा ही हुआ और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मगर 2 साल सरकार चलने के बाद सिंधिया 20 विधायकों संग बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। इस तरह राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। तब से बीजेपी की सरकार ही चली आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भी बनाया है। हालांकि सिंधिया इस बात से इनकार करते रहे कि वह सीएम बनना चाहते हैं, मगर जिस तरह से बीजेपी ने एमपी के लिए सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है, उससे संभावनाओं को बल भी मिल रहा है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।